Hey guys, welcome to another episode of Geekishi ki main Abhineet Bhardwaj and dosto is video hum discuss karne ja rahe hain Deadpool and Wolverine ki ending aur post credit scene ke bare mein. To obviously baat hai is video mein spoilers hone wale. Ek aur cheez yahan pe confirm kar dun ki maine already Deadpool and Wolverine ki full explanation wali video bana rakhi hai. Usme starting se leke end tak maine sab kuch bataya ki film mein kya kya events hote hain. Uska bas post credit scene maine zyada deep mein nahi samjhaya tha. Uske liye specifically maine video banayi hai aur pichli video mein mention bhi kiya tha. To in case agar aap logon ne wo video nahi dekhi hai Deadpool and Wolverine ki starting se leke end tak ki kahani तो पोस्ट क्रेडिट सीन आपको शायद समझ ना आए बिकॉज मूवी के एक इवेंट से कनेक्ट होता है ये. मूवी में एक बहुत बड़े केमियो है, एक बहुत बड़े एक्टर का जो कि एमसीयू का पार्ट रह चुका है, इनफैक्ट सुपरस्टार जो कि डेडपूल में वुल्वरीन का पार्ट है बट एज अ डिफरेंट कैरेक्टर, एंड ये कैरेक्टर भी वो सुपरस्टार पहले प्ले कर चुके हैं. इसमें डेफिनेटली स्पॉयलर्स होने वाले हैं तो आप चाहें तो वीडियो में बंद कर सकते हैं, टोटली अप टू यू. मैंने आपको स्पॉइलर वार्निंग दे दी है, अब सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जिस एक्टर की बात कर रहा था वो ऑफ कोर्स है क्रिस एवांस. वही क्रिस एवांस जिन्होंने कैप्टन अमेरिका का रोल प्ले किया है एमसीयू. बट जैसे हम सब जानते हैं क्रिस एवांस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट बनने से पहले वो फॉक्स वाले मार्वल का पार्ट रह चुके थे, यानी कि फैंटास्टिक फोर जो फिल्म आई थी 2005 और 2007 में, उसमें ना जॉनी स्टॉर्म या फिर ह्यूमन टॉर्च का रोल प्ले किया था. एंड बाय द ह्यूमन टॉर्च हैपेंस टू बी वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर्स फ्रॉम द फैंटास्टिक फोर. आई थिंक द ओनली फेवरेट कैरेक्टर फैंटास्टिक फोर में से ह्यूमन टॉर्च ज्यादा पसंद है. खैर, फिल्म में भी होता ये कि हम देखते हैं कि जब वॉइड में डेडपूल एंड वोल्वरीन होते हैं तो यहाँ पे एक सीन होता है जहाँ पे पायरो के साथ फाइट होती है और तुम्हें क्रिस एवांस उनको बचाने के लिए आते हैं. अब स्टार्टिंग में जब क्रिस एवांस की एंट्री होती है ना तो हमको ऐसा लगता है कि अरे कैप्टन अमेरिका आ गया, कि कैप्टन अमेरिका क्रिस एवांस की या फिर कैप्टन अमेरिका और ह्यूमन टॉर्च ये कॉस्ट्यूम मतलब ऊपर वाला पार्ट सेम है ना ब्लू कलर का, तो हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पे क्रिस एवांस ना कैप्टन अमेरिका ही प्ले कर रहे हैं, उससे एक वेरिएंट प्ले कर रहे हैं. बट नहीं, ये एक ह्यूमन टॉर्च का वेरिएंट प्ले कर रहे हैं. एंड ऑल्सो ये भी मैं बता दूं 2005-2007 फैंटास्टिक फोर है ना, ये वो वाला ह्यूमन टॉर्च है दिखने में लेकिन उसका भी वेरिएंट है. ठीक है, उसका भी वेरिएंट है, एक्जैक्टली वो वाला ह्यूमन टॉर्च नहीं है. खैर, एनीवे ये ह्यूमन टॉर्च का आप रोल प्ले कर रहे हैं और वोल्वरीन और डेडपूल से ह्यूमन टॉर्च की मुलाकात यहीं पे होती है. ऑल्सो मैं एक और चीज बताती हूँ, यहाँ पे डेडपूल मेंशन भी करता है कि जो कैप्टन अमेरिका का कैरेक्टर है वो ना काफी सभ्य इंसान है, काफी प्योर है, वो गाली देना अलाउड नहीं करता, सीधी साधा सरल भाषा का इस्तेमाल करता है, तो कैप्टन अमेरिका गाली गलौज नहीं करता है. वेयर वाज ऑन द अदर हैंड क्रिस एवांस का सेम कैरेक्टर जो कि उन्होंने फैंटास्टिक फोर में प्ले किया था वो वाला डिफरेंट है, ये डिफरेंट वेरिएंट है, इन्हें काफी राउडी टाइप का है, ये काफी गाली गलौज, काफी ज्यादा एरोगेंट है, काफी ज्यादा गाली वाले देते हैं, मजेदार कैरेक्टर यहाँ पे होते हैं. तो होता ही है कि फिल्म के बीच में वॉइड में डेडपूल वोल्वरीन और ह्यूमन टॉर्च होते हैं और डेडपूल और वोल्वरीन के बीच ना भिड़ती रहती है आपस में. यहाँ पे ह्यूमन टॉर्च जो है बार बार गाली गलौज देते रहते हैं एंड डेडपूल ऑन द कॉन्ट्रेरी चेंज हो चुका है, वो गाली का इस्तेमाल नहीं करता. खैर, ये तीनों कैरेक्टर्स कैसेंड्रा नोवा के पास पहुंचते हैं. अब यहाँ पे क्या करते हैं, डेडपूल ना यहाँ पे बैक बिचिंग करनी शुरू करते हैं क्रिस एवांस का कैरेक्टर ह्यूमन टॉर्च की. वो कहते हैं तुमको उसको सुनना चाहिए, ऐसी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं कैसेंड्रा नोवा से, मतलब बुराई करो जैसे उसकी मॉम हो, वो तुमको पता है इतनी गालियाँ देते हैं, इतना बदतमीज हो चुका है, कितना अलग कैरेक्टर्स ने प्ले किया था कैप्टन अमेरिका का. ऑफकोर्स डेडपूल यहाँ पे सटल वे में ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल तो करते रहते हैं. वो कैसेंड्रा नोवा से कहते हैं इसने कितना अच्छा कैरेक्टर प्ले किया था जो कि बिल्कुल भी गाली गलौज नहीं करता था, एंड वहीं पर भी गाली गलौज कर रहा है, ये आर रेटेड वर्ड्स का इस्तेमाल करता है, मतलब बहुत ज्यादा गाली दी है. ठीक है, और तुम्हें कैसेंड्रा नोवा के सामने ह्यूमन टॉर्च कुछ बोलने ही वाला होता है और कैसेंड्रा नोवा ने उसको बहुत ही बुरी मौत देती है. फिल्म के बीच में वो खड़ा है और उसकी पूरी स्किन उतार लेती है, उसकी पूरा मसल्स और जो पूरा फ्लैश है पूरी बॉडी को खींच लेती है और रिमेनिंग जो हल्का सा फ्लैश और बोन्स होते हैं वो टूट के नीचे गिर जाते हैं. मतलब इतनी गंदी डेथ देती है कैसेंड्रा नोवा ह्यूमन टॉर्च, इतनी गंदी. ये डेथ ना मुझे याद दिलाती है कुछ वैसे ही डेथ की जैसे यहाँ पे मिस्टर फैंटास्टिक की डेथ हुई थी इन डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस. मतलब फैन सर्विस के नाम पे हमको दे तो दिया जॉन क्रिसेंस की, पर मिस्टर फैंटास्टिक की इतनी गंदी मौत, इतनी गंदी मौत. सिमिलरली यहाँ पे भी ह्यूमन टॉर्च की इतनी गंदी मौत, इतनी गंदी मौत, मतलब बहुत बहुत वियर्ड सीन था, वो बहुत ही वियर्ड सीन था. तो एनीवे द पॉइंट इज ह्यूमन टॉर्च की डेथ हो जाती है. अब यहाँ पे ऑफ कोर्स बुरा लगता है, मुझे जेन्युइनली काफी बुरा लगा था, लेकिन एक और चीज मैं आपको बता दूं, इस तरह चांसेस बढ़ जाते हैं कि हाँ ह्यूमन टॉर्च या फिर क्रिस एवांस एज अ डिफरेंट कैरेक्टर्स आ सकते हैं. और सिर्फ क्रिस एवांस क्यों, और भी ऐसे कैरेक्टर्स हैं या फिर और भी ऐसे एक्टर्स हैं जो शायद कुछ और रोल प्ले कर चुके हैं वो भी आ सकते हैं. जैसे एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हेनरी कैविल. हेनरी कैविल एज वोल्वरीन इस फिल्म में है, केमियो है, सेकंड्स का है, लेकिन वो ना अपने आप में बड़ा गजब का सीन था. एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी यहाँ पे अनाउंस कर दिया है केविन फाइगी ने कि ऑफिशियली म्यूटेंट्स आकर शुरू हो चुके हैं दी एमसीयू, मतलब म्यूटेंट्स अब स्टार्ट हो जाएंगे आने. अब बात करें इसका पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में, तो पोस्ट क्रेडिट सीन में हम ये देखते हैं कि एक्चुअली ना डेडपूल ने जो भी कुछ बोला था ह्यूमन टॉर्च के बारे में कैसेंड्रा नोवा से कि ऐसे गालियां देते हैं, ऐसा जो कुछ करते हैं, वो फिल्म में दिखाया नहीं हमको. व्हाट आई मीन टू से इज कि जब यहाँ पे डेडपूल जब यहाँ पे बैक पिचिंग करना शुरू करता है कैसेंड्रा नोवा से कि ह्यूमन टॉर्च जो है क्रिस एवांस जो है गालियां देता है, आर रेटेड वर्ड का इस्तेमाल करता है, मूवी में दिखाया नहीं है, तो हमको ऐसा लगता है कि एक्चुअली ह्यूमन टॉर्च से नफरत करता है और उसको ना फंसाना चाहता है डेडपूल, वो चाहता है कि मर जाए. ह्यूमन टॉर्च ने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है फिल्म में, हमको ऐसा नहीं दिखता. तो पूरी फिल्म के एंड तक ना हम ये सोच रहे थे कि शायद ना डेडपूल ने झूठ बोला था, जानबूझकर उसने क्रिस एवांस को मरवाया है, तो हमको थोड़ा गुस्सा आता रहता है फिल्म, थोड़ा तो आएगा कि यार उसने क्रिस एवांस को मरवा दिया, उसने एक ह्यूमन टॉर्च को मरवा दिया. बट खैर, फिर आता है पोस्ट क्रेडिट सीन. पोस्ट क्रेडिट सीन में एक्चुअली हम एक सीन देखते हैं जहाँ पे केज में वोल्वरीन डेडपूल ह्यूमन टॉर्च है एंड ह्यूमन टॉर्च
वही सब गालियां वही सब शब्दों को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बारे में डेडपुल ने मेंशन किया था कैप्टन नोवा के सामने। तो हाँ एक्चुअली डेडपुल ने जो भी कुछ बोला था ना वो सच बोला, और उसको खुद एक्चुअली डेडपुल खुद नहीं पता था कि कैप्टन नोवा उसको मार डालेगी। अगर उसको पता मार डाली तो ऑफ कोर्स ऐसा डेडपुल कभी नहीं करता। बट एनीवे द पॉइंट इज यहां पे ह्यूमन टॉर्च मर जाता है, क्रिस इवांस मर जाता है, क्रिस इवांस का ही हमको केमियो देखने को मिलता है पोस्ट क्रेडिट सीन। फिल्म में भी क्यों एंड ओवरऑल भी बस लास्ट सीन हमको ये देखने मिलता है कि ह्यूमन टॉर्च केज में बैठा पास का सीन दिखाते हैं। एक्चुअली टीवी का ना एक मॉनिटर के थ्रू हम देख पाते हैं कि टीवी के जो मॉनिटर में पुरानी स्क्रीन में चल रहा है ये तीनों साथ में बैठे हैं, ह्यूमन टॉर्च वही गालियां वगैरह दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ नया डेवलपमेंट नहीं, ऐसा मत सोचना कुछ नया कैरेक्टर केमियो हमको देखने मिलेगा, बस फिल्म का एक डिलीटेड काइंड ऑफ सीन है जो कि हम इसमें देखते हैं। उस सारा कुछ एक्सपेक्टेशन मत कर, फिल्म की ओवरऑल जो कंटेंट है वो यही है, इस सारा कुछ भी नहीं है। जो पोस्ट क्रेडिट सीन है मतलब जब क्रेडिट खत्म हो जाते हैं सब कुछ खत्म होता है उसके बाद ये सीन आता है, मिड क्रेडिट सीन नहीं है। तो आपको बिल्कुल लास्ट तक बैठना पड़ेगा सीन को देखने के लिए। एंड मैं आपको पहले से बता रहा हूँ ज्यादा होप्स मत रखना, नॉर्मल सही है, बट हाँ क्रिस इवांस आपको फिर से देखने को मिल जाएंगे, दैट इज द बेस्ट पार्ट। तो यही है एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन, आई होप आपको पसंद आया, और यहाँ पे डेफिनेटली दरवाजे खुल जाते हैं इन एक्टर्स को वापस आने, ये एक्टर्स अगर वापस आते हैं तो मजा तो आए। सो एनीवे गाइस, आप लोगों ने डेडपूल में वोल्वरीन देख लिया तो कैसी लगी आपको फिल्म, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, एंड अपने थॉट्स में जरूर बताइए आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, कुछ आपने पढ़ा हो, कुछ आपकी थ्योरी हो, प्लीज कमेंट्स में आकर मुझे जरूर बताना। अगर आप सब मेरा इंस्टाग्राम ट्विटर पर जुड़ना था लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, नहीं तो मेरी यूजर नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉलो कर लेना। और डेडपूल में वोल्वरीन की फुल एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी पब्लिश कर रखी है, इससे जस्ट पिछली वाली वीडियो, तो प्लीज आके चेकआउट कर लेना अगर अभी तक नहीं देखे। मिलता है सभी से अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज, लाइफ में अच्छा करिए, आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।